जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बाके बिहारी जी की कृपा से आप कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ शिव रुद्र अवतार की कड़ी के रूप में दसवां अवतार किरात अवतार। अर्जुन द्वारा शिव की पूजा की गई है और भगवान ने उनको किरात के रूप में दर्शन दिया है, तो किरात रूप के दर्शन में आज आपको करवाने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है, आप ध्यान लगाकर सुनिएगा शिव की अर्जुन पर कैसे कृपा हुई है। कौरवों के मामा शकुनी बड़े चालाक थे और धूर्त और पाखंडी स्वभाव के थे। अतः उन्होंने अपने बहनोई राजा धृतराष्ट्र और अपने सौ भांजों को भी अपनी संगति से अपने जैसा ही बना दिया था। शकुनी ने अपनी कुटिल बुद्धि से द्रौपदी से बदला लेने की योजना बनाई। जब द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था ना, जब वो इंद्रपुरी गए हैं इंद्रप्रस्थ में और फिसल गए हैं, जमीन को समझकर पानी के ऊपर चले हैं और फिसल गए हैं, तो द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। तो इस बात का बदला लेने के लिए शकुनी ने एक योजना बनाई और ध्रुत कीड़ा के लिए युधिष्ठिर को बुलाया। दुर्योधन को कहा कि एक ध्रुत कीड़ा रखो, हम इसको ठीक करेंगे। शकुनी ने अपनी कुटिल बुद्धि से ध्रुत कीड़ा का आयोजन किया है। युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों को बुलाया है और कपट करके शकुनी ने युधिष्ठिर सहित पांचों भाइयों को और द्रौपदी को जीत लिया है। श्री कृष्ण ने उस समय द्रौपदी को जब जीत लिया है और चुरुचीर हरण करा जा रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई है। भरी सभा में कृष्ण भगवान आए हैं। इसी जुए के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। वनवास में रहते हुए भी पांडव यह बात तो भली बात समझ गए थे कि कौरवों ने किस प्रकार उनके साथ छल किया, लाक्षाग्रह बनवाया, उन्हें मारने की कोशिश करी, भरी सभा में अपमानित किया द्रौपदी को। बहुत दुखी रहते थे पांडव और उन्हें समझ आ गया था कि ये कौरवों ने बहुत बुरा किया है हमारे साथ, इन्होंने बहुत छल कपट किया है। उनको देखकर ऐसा नहीं लगता, उनको समझ आ गया कि चाहे हमारा वनवास खत्म हो जाएगा, अज्ञातवास पूरा हो जाएगा, लेकिन ये हमारा राज्य वापस नहीं देंगे, उसके लिए हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें युद्ध की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, परंतु कौरवों का शासन है बहुत विशाल है, हम तो केवल 5 पांडव हैं। ये सोचकर मन में विचार कर रहे हैं कि उनके पास तो विशाल सेना है, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, हम लोगों के पास तो कोई भी अस्त्र शस्त्र ही नहीं है, फिर युद्ध पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकेगी। इस बात को सोचकर पांडव बड़े चिंतित हो रहे हैं। तभी अचानक वेद व्यास जी प्रकट हो गए हैं और पांडवों ने अपनी चिंता उनके चरणों में व्यक्त करी है। व्यास जी बड़े ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, वे जानते थे कि शिव कृपा के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। अतः व्यास जी ने बताया कि अर्जुन तुम इंद्रलोक नामक स्थान पर जाओ और शिव जी की प्रतिमा बनाकर पूर्ण विधि विधान से, पूर्ण श्रद्धा से, विश्वास से शिव का पंचाक्षर मंत्र से जाप करो और तपस्या करो। भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे और उनसे गांडीव धनुष, जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे गांडीव धनुष और पाशुपात अस्त्र प्राप्त करना, जिससे तुम्हारी विजय अवश्य होगी। ये परामर्श देकर वेद व्यास जी तो चले गए हैं। अब अर्जुन इंद्र लोक गए हैं, वहाँ वेद व्यास जी के द्वारा बताए गए तरीके से उन्होंने शिव भगवान की मूर्ति बनाई है और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए घोर तप किया है। अर्जुन के कठोर तप से प्रसन्न होकर शिव ने एक लीला कर अर्जुन को दर्शन दिए। ये किरात रूप धारण कर उस जगह पर आ गए। भगवान शिव किरात का रूप धारण कर आ गए हैं जहाँ अर्जुन तपस्या कर रहे थे। उसी समय दुर्योधन को किसी प्रकार ये ज्ञात हो गया कि अर्जुन शिव आराधना कर रहा है, जिससे कि वो अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सके, भगवान शिव से अस्त्र ले सके। अतः उसने सोचा कि मैं इसकी तपस्या भंग करूंगा। माया शिव की माया से प्रेरित हो गया, उसके मन में भगवान ने डाल दिया कि मुझे तपस्या भंग करनी है। उसने अपने मित्र मुर नामक राक्षस को भैंसे के रूप बनाकर भेजा। विकराल भैंसे को सामने आकर देखकर अर्जुन ने भैंसे के मुंह की तरफ बाण छोड़े, तीर चलाए उसके भैंसे के मुख में। उसी समय भगवान भक्त वत्सल शिव ने भी अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात रूप में जो भगवान आए थे, उन्होंने भैंसे की पूंछ की तरफ तीर चलाए। अब तीर अर्जुन ने चलाए भैंसे के मुख की तरफ और किरात ने चलाए हैं पूंछ की तरफ। अर्जुन और किरात भेष धारी दोनों का एक साथ
भैंसे के पास पहुंचना होता है और दोनों फिर इस बात के लिए बहस करने लगते हैं आपस में ही कि ये मेरा शिकार है। किरात कहता है मेरा शिकार है, अर्जुन कहते हैं मेरा शिकार है, मैंने इसे मारा है, और विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया। दोनों में बहुत कठोर घनघोर युद्ध होने लगा, कठोर युद्ध होने लगा, बहुत काल तक युद्ध चलता रहा, समाप्ति पर ही नहीं आ रहा था। अंत में अर्जुन समझ गए कि ये तो भगवान शिव की लीला है, ये ही किरात रूप धर कर आए हैं। अतः वे युद्ध छोड़ कर भगवान शिव के चरणों में लेट गए। तभी शिव भगवान असली रूप में आ गए और प्रसन्न अर्जुन का अपना गांडीव धनुष और पाशुपास्त्र दे दिया है और बोले, अर्जुन युद्ध में तुम्हारी विजय होगी, श्री कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे, अंत में मेरा लोक प्राप्त करोगे तुम। इतना कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। ये था भगवान शिव के किरात रूप के दर्शन। जब सच्चे मन से भगवान की कथा करो, पूजा करो, तपस्या करो, तो भगवान कैसे नहीं आएंगे? भगवान तो जरूर आएंगे। भगवान हैं ही इतने अच्छे भोले भंडारी कि जो भी उनको पुकारता है भगवान उसकी रक्षा के लिए अवश्य आ जाते हैं। उनको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस आप सच्चे मन से, हम कलयुग में बस उनका सच्चे हृदय से नाम जाप करते रहे, वो हमें मिल जाएंगे। एक भजन गाते हैं, अरे निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम, निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम। अर्जुन के पास आए ना बोले भंडारी, तो सारे देव एक ही हैं, चाहे शिव बोलो चाहे कृष्ण बोलो। अरे निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम, मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, राधे जी की खासम खासी हूँ, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। आपको भगवान रुद्र का ये दशम अवतार, किरात रूप अवतार सुनकर अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। नित्य बहुत अच्छी अच्छी कथा कहानियाँ लेकर आऊँगी आपके लिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सगे संबंधियों में शेयर भी कीजिए जिससे मेरे वीडियो उन तक भी पहुँचे, और जाते जाते बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। अभी के लिए राधे राधे।